नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप हैं जीपीएस किचन में। और ये जो किचन की मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ, ये हमारी कॉन्टिनेंटल रेंज है। यहाँ पे इटालियन, मैक्सिकन, लेबनीज खाना प्रिपेयर होता है। ये स्लो कुकिंग रेंज है, इसलिए इनको कॉन्टिनेंटल में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये स्लो कुक फूड होता है। फास्ट कुक जो फूड होता है उसमें आपको इंडियन फूड आता है, जो ग्रेवी आइटम्स होते हैं, जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया। आइए आप इसके बाद हम ये हमारा ये है, इसको बोलते हैं मसाला दानी हिंदी में। और ये हमारी रेंज है, ये इंडियन के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पे इंडियन फूड होता है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये हमारा ये मीज़ा है, यहाँ पे ऑयल, बटर, गार्लिक, अनियन वगैरह सब रहता है। ये साउथ इंडियन की रेंज है, यहाँ पे आपके साउथ इंडियन फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आएंगे तो ये हमारा डीप फ्रायर है, यहाँ पे कोई भी फ्राई आइटम होते हैं वो किए जाते हैं। ये हॉट प्लेट है, इसमें ग्रिल के आइटम होते हैं जैसे फिश होगी, चिकन हो गया, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा ओवन है, पिज्ज़ा ओवन, स्मॉल पिज्ज़ा ओवन है। इसके अंदर हम पिज्ज़ा को कुक करते हैं, इसके बेस और इसकी टॉपिंग्स को एक साथ कुक किया जाता है। ये सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर यूज होता है गार्लिक ब्रेड और टॉर्टिया ब्रेड को गर्म करने के लिए, टोस्ट वगैरह बनाने के लिए। ये हमारे तंदूर है, तंदूर हमारे इंडियन ब्रेड्स और स्नैक्स के लिए होते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा स्नैक्स जो होता है वो सर्व होता है इंडियन का। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस तरफ जहाँ पे चाइनीज की रेंज है। ये हमारे फ्रिजेस हैं अंडर काउंटर, इनमें नीचे फ्रिज होता है, ऊपर आपकी टेबल होती है, वर्क किया करते हैं, यहाँ पे कटिंग चॉपिंग होती है। और ये हमारी इसको बोलते हैं हॉट केस, इसमें रॉड्स लगी हुई हैं और ये खाना को गर्म रखता है। जब हम पिकअप करते हैं तो यहीं से इसको पिकअप किया जाता है, उधर से पिकअप होता है। ये हमारे डीप फ्रीजर हैं, और डीप फ्रीजर ये हमारा एक सिंक हो गया जो कि पॉट वॉश के लिए यूज होता है। आइए, ये हमारी क्रॉकरी कटलरी है, माइक्रोवेव ओवन ये है, कुछ भी खाना गर्म करने के लिए ये है। और ये हमारी लास्ट में चाइनीज रेंज है जिसमें हम चाइनीज फूड प्रिपेयर करते हैं, पैन एशियन सारा जो फूड होता है, नूडल्स, चिली चिकन, चिली पनीर, पैन फ्राइड जो भी होता है वो इसी में प्रिपेयर होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही हमारा ये लेसन था, और हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।